पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी हो सकती है। क्या बकवास। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग गुब्बारों में भर भर कर गैस ले जा रहे थे और थोड़े से आटे के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। उस देश की मिलिट्री कितनी अमीर है और कितनी पावरफुल है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को एक काफी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड अ स्टेट विदिन अ स्टेट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं प्रॉफिट के लिए काम करती है। पैसा कमाती है और वो पैसे अपने ही ऑफिसर्स में बांट देती है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये हुआ कैसे और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे कॉम्प्लेक्स नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 1, पाकिस्तानी मिलिट्री की ताकत। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 42nd रैंक पर है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान 7th रैंक पर आता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का रैंकिंग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल जैसे देशों से भी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इन टोटल 5,60,000 जवान है। पाकिस्तान के पास 2,000 से ज्यादा टैंक्स, 4,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स, 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 9 सबमरीन्स और 8 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने शाहीन 2 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप किया है, जिसकी रेंज है 2,000 किलोमीटर। पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शॉर्ट रेंज में यानी 50-100 किलोमीटर की रेंज में यूज कर सकता है। इन सारे एरियाज में भारत के नंबर्स पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है और इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इंडियंस को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जिगरी दोस्त है और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। भारत को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि हमारे सोल्जर्स डिफिकल्ट टेरेन में लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वेराज चाइना ने आखिरी लड़ाई वियतनाम से लड़ी थी और वो भी 1979 में, जो वो हार गए। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली भारत के पास 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहां पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो 1993 से 2006 के बीच सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए उनमें से 20% खर्च आर्म फोर्सेस पर हुए थे। दैट इज 1/5 ऑफ द होल बजट। That is huge. सोचिए अगर ये सारा पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या जॉब जनरेशन में खर्च होता तो पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजरता। लेकिन ये बात हो रही है उस पैसे की जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री खुद बहुत अमीर है। चैप्टर 2, मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कैसे। पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है, हम सबको पता है, लेकिन अब थोड़ी गहराई में जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहा, क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज देयर इकोनॉमिक बैकबोन। पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन काम वही होता है जो मिलिट्री चाहती है, और प्रूफ पाकिस्तान के इतिहास में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान को फॉर्म हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक जैसे मिलिट्री लीडर्स ने सरकार गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ लिया था। एज अ रिजल्ट किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। लेकिन ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है, लेकिन आज फोकस करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंग्लोमरेट, यानी ऐसा कोई ब्रांड जिसके कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हो, जैसे कि टाटा जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सब बेचते हैं, वैसे ही फौजी फाउंडेशन के अलग अलग सब्सिडरीज पाकिस्तान के अलग अलग फील्ड्स में फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, सीमेंट, पेट्रोलियम, यहाँ तक कि स्कूल्स भी। 50 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज पाकिस्तानी मिलिट्री कंट्रोल करती है, जिनका एनुअल रेवेन्यू $26 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये नंबर
हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी बड़ा है। पाकिस्तानी मिलिट्री का इकोनॉमिक एम्पायर इतना बड़ा है कि टेक्निकली उन्हें सरकारी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक पाकिस्तानी ऑथर और प्रोफेसर हैं। वो अपने बुक मिलिट्री इंक में कहती है कि 2007 में ही पाकिस्तानी मिलिट्री का नेट वर्थ 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा था। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये नंबर पाकिस्तान में उस साल आए हुए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा था। आर्म फोर्सेज के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारा फर्टाइल लैंड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाकिस्तानी आर्मी का हर ऑफिसर एक करोड़पति होता है। जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्म लैंड प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू ½ मिलियन पाउंड होती है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है, उन्हें किसी हाई पोस्ट पर उन्हीं के किसी कंपनी में नौकरी दी जाती है। यानी उन्होंने ये सिस्टम ही बना दिया है कि आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर रिटायर हो जाओ और ऐश करो। ये सारा डेटा और ये सारे वैल्यूज 2007 के हैं। सोचिए अब इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फाउंडेशंस और उनके प्रॉफिट मेकिंग मशीन को इसी बेसिस पर चलाते हैं कि पाकिस्तान के सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट ही हैं। उनसे बेहतर तो हम हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हो वो खुद को लोगों से ऊपर समझने लगती है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहने का पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ की मिलिट्री उनके लीडर से ज्यादा स्ट्रांग है। जो लीडर पाकिस्तानी मिलिट्री की बात नहीं सुनता उसे हटा दिया जाता है और किसी ऐसे पपेट को बिठाया जाता है जो मिलिट्री की बात सुने। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके क्रिटिक्स ने यही कहा कि इमरान खान के पास खुद का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो सिर्फ इसीलिए PM बने हैं क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि ऐसा कोई गद्दी पर बैठे जो ज्यादा सवाल ना पूछे और मिलिट्री को जो करना है वो करने दे। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट हुई है और इनकी इस कॉन्ट्रोवर्शियल अरेस्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफी हाई है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। Chapter 3 आर्मी वर्सेस द पीपल। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री और आगे जाकर फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ना आए इसलिए 2010 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। इससे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ से निकाल दी गई। ये कदम एक सही डायरेक्शन में था लेकिन ये कदम सिर्फ एक आधा कदम है। मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स की बात तब सुनेगी जब उन्हें फंड करने वाली कंपनियों पर एक्शन ली जाएगी। इन कंपनीज को मैनेज कौन करेगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी मिलिट्री के हाथ से निकाल दी जाएगी। जब तक मिलिट्री सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो किसी भी लीडर को आंसरेबल नहीं होगी। सोचिए अगर जनता एक सरकार को चुनती है और उस सरकार को अपनी 5 साल की टर्म भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती और ये एक बार नहीं बार बार होता तो कोई देश आगे कैसे बढ़े। पाकिस्तान का मिलिट्री डोमिनेंस पाकिस्तान के लिए एक विशेष साइकिल बना। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसलिए मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल है इसलिए बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उभर कर ऊपर नहीं आती तो लोगों की डिमांड्स फुलफिल कैसे होंगी। इसलिए फौजी फाउंडेशन जैसी मिलिट्री फंडेड कंपनीज बड़ी होती है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनती है जिनसे मिलिट्री के हाथ और पावर आ जाती है और इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कम तो नहीं होती उल्टा बढ़ती है। पाकिस्तानी मिलिट्री उनके ढेरों फाउंडेशंस, बैंक्स और उनसे आने वाला पैसा अगर लोगों की भलाई में यूज होता तो शायद आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। अगर कोई पाकिस्तानी सेंसिबल है तो वो यही कहेगा कि यस हमारा फोकस भारत को डिस्ट्रॉय करना नहीं पाकिस्तान के कोर इश्यूज सॉल्व करना होना चाहिए और नो भारत पाकिस्तान पर कभी अटैक कर सकता है इस डर से हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कर्जा ले लेकर वेपन्स खरीदने बंद करने होंगे। फोकस खुद की इकोनॉमी पर करना ही होगा और लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करने होंगे जो आर्मी से कोसों दूर हो। हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के आम लोग ये मैसेज समझ जाए इसीलिए आज पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर से नहीं अंदर के लोगों से डर लगता है कि कहीं यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे और हमारे ही लोगों को कंट्रोल ना कर पाए।
अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स AN27। इस कूपन कोड को यूज कीजिए और एडिशनल 27% डिस्काउंट पाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आज हमें पाकिस्तान को समझने की जरूरत, हमें ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने पास्ट में ऐसी कौन से मिस्टेक्स की जिनकी वजह से वहाँ पर इतने सारे मिलिट्री कूज हुए और भारत में एक भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर के भारत को आज का पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता।